अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ट्यूटर एट जिना इंस्टीट्यूट मोरो। आज का हमारा लेक्चर नंबर 99 है मैथमेटिक्स पे। हम अलजेब्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 6 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x प्लस वन टू एक्स प्लस वन इज इक्वस टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री माइनस 14। अब यहां पे हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इज प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन। अब इस तरफ से हमने क्या करना है, x कॉमन निकालनी है और 2x प्लस 3 यहाँ पे लिखना है, प्लस 3 यहाँ पे लेके 2x प्लस 3 यहाँ पे लिखना है, माइनस 14 नंबर अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, और उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, उसके साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, माइनस 14 होगा। अब हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स इसको कहेंगे, प्लस वन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स यहाँ पे और सिक्स एक्स है, इनको ऐड करेंगे तो नाइन एक्स होगा, प्लस नाइन माइनस 14 होगा। अब 14 में से 9 को काट देंगे तो क्या बचेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस का, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस 5। अब हमने क्या करना है, नंबर अलग करने हैं और वेरिएबल्स अलग करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वन यहाँ पे नंबर अलग है और यहाँ पे 5 अलग है। अब इनको दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 5। अब यहाँ पे सारा जो नंबर है यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस ए एक्स माइनस 2x² माइनस 3x। अब 2x² प्लस का और 2x² माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9x और 3x बचेगा, मगर क्या होगा, 9x है प्लस का और 3x है माइनस का, 9x में से 3x को काट देंगे तो क्या बचेगा, 6 इज इक्वल टू 6x। अब x की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो x इज इक्वल टू 6/6, 1 प्लस 5 ऐड किया तो ये 6 हुआ इस तरफ से, और इस तरफ से क्या मिला हमें, 9x में से 3x को काट देंगे तो 6x बचेगा। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। अब हमने क्या करना है, इसमें 1 मिल गई वैल्यू, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6/6 इट मीन्स डिवाइडेड बाय 6, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें भी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1/1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, ये फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आज का हमारा लेक्चर नंबर 99 यहीं पे ख़त्म हुआ। हमारे नॉलेज ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।